अयोध्या राम मंदिर में सोमवार 22 जनवरी को रामलला विराजमान हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधि पूर्वक अनुष्ठान की सारी रस्में पूरी कर ली और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। इस दौरान स्वामी गोविंद देव गिरिराज महाराज ने जल पिलाकर पीएम मोदी का व्रत खुलवाया। इसके बाद से गोविंद गिरिराज महाराज की बहुत चर्चा हो रही है। राम मंदिर उद्घाटन के मौके पर गोविंद देव गिरिराज महाराज ने अपने भाषण में पीएम मोदी की काफी तारीफें की और उनकी माता हीराबेन मोदी की भी खूब बातें की। ऐसे में महंत गोविंद देव गिरिराज महाराज काफी चर्चाओं में है और हर कोई ये जानना चाहता है कि वह कौन है। स्वामी गोविंद देव गिरिराज महाराज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के 15 सदस्यों में से एक है। वह ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष है। साल 1950 में महाराष्ट्र के अहमदनगर में उनका जन्म हुआ था। वह रामायण और भगवद गीता जैसे पौराणिक ग्रंथों का देश विदेश में प्रवचन करते हैं। अयोध्या भूमि विवाद मामले में फैसला सुनाया था तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाई गई थी। ट्रस्ट को मंदिर निर्माण और देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सरकार ने ट्रस्ट के लिए 15 सदस्यों के नाम की घोषणा की थी, जिनमें 9 अस्थायी सदस्य और 6 नामांकित सदस्य शामिल थे। ट्रस्ट का सदस्य चुने जाने पर स्वामी गोविंद देव गिरिराज महाराज ने खुशी जाहिर करते हुए खुद को भाग्यशाली बताया था। उन्होंने कहा कि सालों की कड़ी मेहनत और प्रभु रामचंद्र की पूजा करने से उन्हें भगवान राम की सेवा करने का अवसर मिला है। स्वामी गोविंद देव गिरिराज महाराज ने पीएम मोदी की शिवाजी महाराज से तुलना करते हुए तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को देखकर बस उस एक राजा की याद आती है जिसमें ये सब कुछ था। उस राजा का नाम था शिवाजी महाराज। स्वामी गिरिराज महाराज ने कहा था कि हमने पीएम मोदी से 3 दिन का उपवास करने के लिए कहा था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने 11 दिन का पूरा व्रत विधि विधान से किया है। हमने 11 दिन एक समय का उपवास करने को कहा था, लेकिन अपने तो अन्य को ही त्याग दिया। गोविंद देव गिरजी महाराज ने कहा, ऐसा तब सभी राष्ट्रीय नेता मिलना आसान नहीं है। हमने विदेश प्रवास के लिए मना किया था, पीएम ने इसे भी माना। हमने 3 दिन भूमि शरण के लिए कहा था, लेकिन आप 11 दिन से ऐसे कर रहे हैं।